सो वेलकम बैक गेमर्स यार, आज के एक नई एंड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री फायर से कुछ चोरी करे गए फीचर्स के बारे में। सो गाइस यार, जहां तक आप सबको पता ही होगा, अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें गाइस मैंने दिखाया था कि क्या जो हमारा फेवरेट गेम है यानी कि फ्री फायर वो बैन हो जाएगा। एंड गाइस उसके बैन होने का एक रीजन जो कि सबसे बड़ा रीजन था वो गाइस कोई और से नहीं आपके पबजी से रिलेटेड था। तो जहां तक मैंने आपको बताया था कि फ्री फायर ने पबजी के 180 कॉपीराइट क्लेम्स कर रखे, यानी कि गाइस फ्री फायर ने पबजी की 180 चीजें कॉपी कर रखी हैं, जिसका गाइस पबजी ने क्लेम करा है। एंड गाइस ना ही फ्री फायर मना कर रहा है, सो इस वजह से कुछ चांस थे कि फ्री फायर बैन हो जाए। बट गाइस अब एक और नई चीज निकल के आई कि गाइस पबजी ने भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फ्री फायर से कॉपी करी है। एंड गाइस मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं किसी भी गेम को हेड पास नहीं कर रहा हूँ, ना ही पबजी को कर रहा हूँ ना ही फ्री फायर को कर रहा हूँ। बस गाइस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर फ्री फायर ने पबजी का कुछ कॉपी करा है तो पबजी ने भी फ्री फायर का कुछ ना कुछ कॉपी करा है। सो यार BGMI प्लेयर्स, ऐसा मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी पबजी पे हेट पास कर रहा हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा खुलासा खोल होने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस इतना ही कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो अभी तक कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मजेदार एंड खुलासेदार वीडियो देखने के लिए, वो भी सबसे पहले। तो चलो गाइस यार बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बात कर रहे थे अपनी कॉपी थिंग नंबर 5 की, जो गाइस हमारी 5th नंबर की आइटम है। वो गाइस फ्री फायर में तब से है जब गाइस फ्री फायर का जहां तक सीजन 3 चल रहा था, तब गाइस फ्री फायर ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। एंड गाइस मैं बात कर रहा हूं अपने फ्री फायर के जिपलाइन की, तो जहां तक आप सब लोगों को पता ही होगा यार, फ्री फायर में जिपलाइन होती है ताकि गाइस आप इधर से उधर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्रॉस कर सकते। एंड गाइस जहां तक आप लोगों को पता है कि पबजी में जिपलाइन नहीं होती है, बट गाइस पबजी में भी जिपलाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जहां तक अभी तक आए नहीं, बट गाइस अपडेट के बाद कहा गया है कि पबजी में भी जिपलाइन आ जाएगी। तो गाइस जहां तक है कोई भी बंदा अब देख के ये नहीं कह सकता कि फ्री फायर ने पबजी से ये भी कॉपी करा है, क्योंकि जहां तक है ये पबजी में अभी अभी आया एंड फ्री फायर में तब से आ रहा है जब से कोरोना भी नहीं आया था, यानी कि अब से लगभग 4 साल पहले से। तो गाइस अब बात करते हैं अपने 4th कॉपीराइट आइटम की, जो कि है आपका क्रोनो। तो जहां तक है फ्री फायर ने अब से लगभग 1 साल पहले ही जहां तक है क्रोनो को इंट्रोड्यूस करा था, जहां तक अप्रैल मंथ में क्रोनो आया था आपका। एंड जहां तक आप लोगों को पढ़ रही है कि क्रोनो की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास ऐसा कुछ सर्कल बनाता है जिससे उसे डैमेज तो नहीं पड़ता है, बट गाइजर वो बंदे को मार सकता है वो भी अंदर से। एंड गाइजर सेम टू सेम ऐसा ही फ्री फायर पबजी ने भी करा था। यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्रोनो पैड लेकर आया, क्रोनो कैरेक्टर, बट गाइजर उन्होंने एक ऐसा मोड बनाया जिसमें गाइजर आपका कैरेक्टर ऐसी एबिलिटी यूज कर सकता है। तो जैसे कि आप इधर पिक्चर में देख पा रहे हो, यार ये एक मोड है, जैसे गाइजर आपका रैम्पेज मोड होता है, आप जब फुल चार्ज हो जाते हो तो गाइजर आपके पास मतलब एक शील्ड टाइप की होती है जिससे अगर आपको कोई मारता है तो आपको इतना डैमेज नहीं आता है। एंड आपकी जो होती है एचपी वो भी गाइजर 500 तक पहुंच जाती है। वैसा ही गाइजर कुछ ये भी है, बस भाई इसमें फर्क इतना है कि इसका जो शील्ड है वो गाइजर क्रोनो की शील्ड से काफी हद तक बड़ी है, एंड इसकी जो टाइमिंग है वो भी क्रोनो की टाइमिंग से काफी ही ज्यादा है। सुखी तरह बात कर लेते अपने 3rd आइटम की, जो कि पबजी ने फ्री फायर से कॉपी करा है। यहां तक आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगी, जब भी गाइजर आप मैप में उतरते हो अपने फ्री फायर के, तो गाइजर आपके नीचे एक स्केटबोर्ड आ जाता है, पता नहीं कहां से आ जाता है बट आ जाता है। एंड गाइस जहां तक है पबजी प्लेयर्स का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार कहां की रियलिस्टिकता हो गई, मतलब भाई यार आप हवा में से गिर रहे हो। एंड गाइस आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय पैराशूट के, एंड अचानक से ही कहीं हवा में से आपके पैरों में एक अजीब सा स्केटबोर्ड आ जाता है, एंड उसके बाद जब आप मैप पे उतरते हो तो वो स्केटबोर्ड भी गायब हो जाता है, बट जब आप पानी में जाते हो एंड मोड का बटन ऑन करते हो तो अचानक से पता नहीं वो स्केटबोर्ड कहां से आ जाता है। यार इस चीज पे कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, बट गाइस पबजी ने भी अब अपने गेम में इंट्रोड्यूस करा है आपका स्केटबोर्ड। जहां तक है इधर आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, ये गाइस आपके पबजी में स्केटबोर्ड है जो कि पबजी ने अभी अभी इंट्रोड्यूस करा है आपके फ्री फायर में, पबजी में। एंड गाइस जैसे आप प्लेन से उतरते हो वैसे गाइस ये वाला स्केटबोर्ड भी आ जाता है, बट गाइस फर्क कितना है कि इसकी एनिमेशन थोड़ी अलग है। जहां तक आप लोगों को एक चीज भी याद होगी, जहां तक अपने फ्री फायर में जो सर्फबोर्ड होता है वो गाइस फ्री फायर में लगभग 4 साल से, या फिर गाइस आप कह सकते हो तभी से ही है जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ है। बस गाइस फ्री फायर के लॉन्च होने के एक सीजन बाद ही सर्फबोर्ड फ्री फायर ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड गाइस अगर हम इधर के सीन की बात करें तो इधर बिल्कुल अलग ही है यार, यहाँ पे अभी पबजी ने अभी बिल्कुल अभी शायद 1-2 महीने पहले ही लॉन्च करा अपने फ्री फायर में स्केटबोर्ड। तो गाइस ये था हमारा आइटम नंबर 3।
बर्ड जो कि अपने पबजी ने अपने फ्री फायर से कॉपी करा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की ओर। इधर जो हमारा सेकंड आइटम है जो कि पबजी ने हमसे कॉपी करा है वो है यार आपकी ग्लू वॉल। तो जहां तक है आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगी, अगर आपको फ्री फायर में कवर लेना है तो आपको उसके लिए ग्लू वॉल चाहिए होगी। जैसे यहाँ पर ऋतिक रोशन वाली ग्लू वॉल लगी हुई है, इस वाली ग्लू वॉल के पीछे कोई बंदा हाइड कर रहा था। तो कहते अगर आपको किसी भी बंदे से बचना है, आई मीन उसके डैमेज से बचना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है जो कि ग्लू वॉल, क्योंकि एनी टाइम एनी वेयर वाला आइटम है। इसे कहीं सर आप घर पे लेकर के आई मीन जेब में लेकर के घूम सकते हो। बट यार पबजी में ऐसा पहले नहीं हुआ करता था यार, पबजी में पहले कोई ग्लू वॉल हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन गाइजर अभी ही शायद कुछ ही महीने पहले या फिर शायद 2021 में ही पबजी ने भी ग्लू वॉल लॉन्च कर दी है, जबकि गाइजर फ्री फायर ने ग्लू वॉल को अब से लगभग 4 या 4.5 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। बट फर्क इतना है कि वो किसी ग्लू वॉल के नेम से नहीं आई है यार। जैसे कि आपको पता होगा अपने फ्री फायर में ग्लू वॉल की चेंबर वाली स्किन होती है, वैसी गाइजर एक ग्लू वॉल फ्री फायर ने आई मीन पबजी ने लॉन्च करी है। एंड गाइजर जो इसका लगने का तरीका है वो भी थोड़ा हटके है। ये गाइजर फोल्ड हुई होती है एंड बन गया इसे फेंक करके इसकी फोल्डिंग खुल जाती है एंड ये एक तरीके से ग्लू वॉल बन जाती है जो कि गाइजर आपको सामने वाले बंदे की डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो गाइजर आप बात कर लेते अपने आइटम नंबर 1 की जो कि गाइजर फ्री फायर से पबजी ने कॉपी करा है, वो है आपका लॉन्च पैड। तो जहां तक आप लोगों को एक चीज पता ही होगी यार, लॉन्च पैड किस लिए यूज होता है। जहां तक लॉन्च पैड का काम इतना होता है वो गाइजर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक के भेज सकता है, उससे गाइजर आप एक से दूसरी जगह बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में उससे जा सकते हो। बस फर्क इतना है जब आप दूसरी जगह पहुंचते हो तो आपको थोड़ा सा डैमेज आता है। जहां तक है ये फ्री फायर ने आपसे लगभग 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करा था, जहां तक मुझे याद है। जब गाइजर मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट करा था तभी गाइजर ये न्यू आया था। फ्री फायर के बंदे इसे ऐसे समझ रहे थे कि ये पार्किंग लॉट है जिसमें हम गाड़ी पार्क कर सकते, बट ये निकला लॉन्च पैड। अब बात कर लेते अपने पबजी के लॉन्च पैड की जो कि पबजी ने अभी लॉन्च करा है, वो है गाइजर ये यार एक बहुत ही तगड़ी सी मशीन जैसा दिख रहा है। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो गाइजर इसका फीचर ये है कि आप इसके जाके आप इसे यूज कर सकते हो, उसके बाद ये आपको एक रॉकेट के अंदर डाल देगा। इसका काम ये नहीं है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे यार, ये बस एक लॉन्चर टाइप का है जो कि आपको हवा में उड़ा देता है। एंड ये आपको कुछ इस तरीके से उड़ाता है जैसे गाइजर आप दिवाली में अपनी बॉटल के अंदर रॉकेट डाल के उसे उड़ाते हो एंड वो सीधा आसमान में जाता है, वैसे गाइजर कुछ इसका भी है। बस फर्क कितना है कि आपका जो रॉकेट होता है दिवाली वाला वो गाइजर आसमान में जाके फट जाता है। बस वजह ये है कि ये फटता नहीं है यार, ये आप स्पेस रॉकेट की तरह आसमान में जाके खुल जाता है एंड आप इससे बाहर आ जाते हो एंड फिर गाइजर आप पैराशूट यूज करके पूरे मैप में उड़ सकते हो। तो आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। जितने आइटम मेरे को आपको बताने थे उतने मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप और भी ऐसे कॉपीड आइटम देखना चाहते हो जो कि पबजी ने फ्री फायर से कॉपी करे हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। उसी साथ जो भी मतलब चैनल पे नया आ रहा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑफिस सेट कर देना है ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए, वो भी सबसे पहले। चलो मिलेंगे आपसे अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।